दोस्तों अगर आपने मेरी ये दो बातें मात्र अपने टीचिंग कैरियर में अपना ली ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके टीचिंग कैरियर की लाइफ बदल जाएगी। अब वो बातें क्या है इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम और टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड अपने चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज मैं रोज लाती रहती हूँ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए जो आपके हाथ में है तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। तो बात करते हैं कि आगे ऐसी कौन सी दो बातें हैं जिनका टीचिंग कैरियर में इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि आप घर का कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर फीमेल हैं और आप खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते तभी आपके घर में तो गेस्ट आ जाते हैं, आपके सासू माँ या हस्बैंड या ससुर कोई भी आपसे कहते हैं कि भाई दो कप चाय बना दो, आप चाय बनाने लगे, बना रही थी आप खाना, तभी वहां से कोई और आ जाता है, उन्होंने कहा कि भाई पानी दे दो, वो आए हैं, आप उसे पानी देने लगे, इतने में ही आपका बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है, आप उसे टेम्पर करने में लग गए, यानी आपका जो खाना बनाने का प्रोसेस था वो क्या हो गया बताइए, धीरे हो गया। यानी आप जो खाना बना रहे थे अब उस खाने में आपको बनाने में लगने वाला है समय, प्लस फॉर एग्जाम्पल आपको गैस जो है वो बार बार सिम करके जानी थी, लो करके जानी पड़ रही है, या फिर आपको जो तवा है वो उतार के रख के जाना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, कोई रोटी सूखी बनेगी, कोई फॉर ठीक बनेगी, आपका जो खाने का जो टेस्ट है ना वो भी वैसा नहीं रहने वाला है। सेम अगर आप मेल हैं और कोई और काम कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको कोई बार बार डिस्टर्ब कर देता है, किसी और की चीज़ की इन्वॉल्वमेंट, बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो आपकी कितना भी अच्छा आप काम कर रहे हो उसमें कमी आनी तो लाजमी है, यानी वो काम आपका 100% तो बिल्कुल नहीं है। तो पहली टिप जो मैं सिर्फ टीचिंग से रिलेट कर रही हूँ वो यही है कि आप बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्लास का माहौल ठीक ठाक है, बच्चे किसी बच्चे ने कोई शैतानी कर दी, जो स्वभाव कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिंग काम हो जाता है क्लास में, बट आपने सारी पढ़ाई, सारी मेहनत, सब चीज़ें फ्रस्ट्रेट होकर क्या कर दिया, उस बच्चे पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, आपको क्लास में गुस्सा आ गया। देखिए ध्यान रखिए, वो गुस्सा करना उस बच्चे के लिए तो हार्मफुल है ही है, हम कह रहे हैं कि बच्चे को गुस्सा मत करिए, उसके लिए नुकसानदेह है, वो गुस्सा आपके लिए भी नुकसानदेह है कि आपने अपने समय की बर्बादी की, और सबसे बड़ा काम जो आप काम कर रहे थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो हो गया स्लो, यानी जो काम आप एक पीरियड में कर सकते थे आप उसको लिए आपको दो पीरियड की जरूरत पड़ने वाली है, जो चैप्टर आप आज खत्म कर लेते हैं वो आपको दो से तीन दिन में खत्म कर पाएंगे, यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो गया, स्लो, आपने अपने टाइम को कर लिया वेस्ट। और तीसरी बात इसी के अंदर ये कि भाई आपने अपनी एनर्जी बिना फालतू में वेस्ट कर दी ना, वो एनर्जी अगर पढ़ाने में वेस्ट करते तो बच्चों को फ्रूटफुल गेन होता उस चीज़ का, बट नहीं, अपने गुस्सा करने में उसे वेस्ट कर दिया। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बोला कि फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, क्लास का माहौल जो है वो उस वक्त इतना बिगड़ जाता है कि आप उस चैप्टर में, उस टॉपिक में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। आप इस चीज़ को चाहे अपने आजमाया भी होगा और आजमा के देख लेना, किसी वक्त पढ़ा रहे हो किसी भी बेगैरत बात पे आप गुस्सा करके देखना क्लास में, फिर देखना माहौल, आप उस टॉपिक को अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। दूसरी लाइफ चेंजिंग बात जो है ना वो ये है कि आपके स्टूडेंट हजारों गलतियाँ करते हैं, लाखों गलतियाँ करते हैं क्लास में, बट कुछ तो अच्छे काम करते होंगे क्योंकि वो आपके स्टूडेंट हैं भाई। आप इतने अच्छे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतना मेहनत करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ भी अच्छा उन्हें नहीं दिया होगा, बहुत कुछ अच्छा दिया होगा आपने उन्हें, तो उन अच्छाइयों को उनके अंदर से ढूंढ कर आपको ढूंढनी है वो, क्योंकि आपने उन्हें दी है वो अच्छाइयाँ, तो आप ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छाई होती है, बस काम क्या कर रहे हैं आपको उन अच्छाइयों को पूरी क्लास के सामने, पेरेंट्स के सामने, कभी असेंबली में, कभी स्टाफ रूम में, बस उस बच्चे को ना, जो स्पेशली बहुत ज़्यादा जिससे आपको लगता है ये तो आफत है मेरे लिए, उसको आप एप्रेस करना शुरू, उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, उस बच्चे को पसंद करना शुरू कर दो, चाहे मन से ना करो, उसे दिखाओ बच्चे को कि भाई ठीक है, मतलब मुझे तुम अब अच्छे लगने लगे हो, अच्छे बच्चे बन गए हो, तो बार बार ये चीज़ें उसके सामने बोलनी शुरू कर दो, और आप यकीन नहीं करेंगे मैजिकल चेंजेस आप उस बच्चे के अंदर देख सकते हैं, मतलब टॉपर क्रिएट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज मैजिकल वर्ड्स ओनली। सिर्फ इन मैजिकल वर्ड्स की वजह से आप किसी बच्चे की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ
कुछ नहीं कर सकते, नकारा हो तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। इट मीन्स आप उसके दिमाग में उन इमेजेस को भर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उसके ऊपर कि तुम फेलियर हो। बट अगर आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भरते जाएंगे तो एट एनी हाउ कहीं ना कहीं 40%, 30%, 20% तो वो बच्चा उसे एक दिन में एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, और हो सकता है कि आप उस बच्चे की ज़िंदगी बदल दें। तो अगर इतने बड़े ये दो काम आपने अपने लाइफ में कर लिए ना, तो वाकई आप खुद तो पॉजिटिव होगे ही होगे, क्योंकि आप बच्चों पे गुस्सा नहीं करेंगे, उन्हें पॉजिटिव बातें बोलेंगे, उसके लिए आपको खुद को भी तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो यही थी मेरी दो बातें जो उम्मीद करती हूँ आपके टीचिंग कैरियर में आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो पसंद आई जैसे मैंने बोला तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।